नहीं, पर आपकी आवाज तो बहुत अच्छी लगती है। आपकी आवाज भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, ओ ओ, वी आर बैक टू द टॉपिक। थप्पड़ मारेगा मुझे, तू मार। अगर किसी भी सिचुएशन में कभी भी हम ये सोचें कि अभी मेन मुद्दा इज आपको मजा आना है, वही क्योंकि वी आर द सुपर हीरोज वी आर वेटिंग फॉर, सो वी हैव टू टेक चार्ज, क्योंकि कौन आएगा हमारी दुनिया को बचाने या हमें बचाना है। पर अगर ज्यादा खा भी लिया तो हम बस पेटीकोट को थोड़ा लूज करके वापस बांध सकते हैं। गर्ल्स आर चेंजिंग, बॉयज आर चेंजिंग, एवरीबॉडी इज इवॉल्विंग एंड ग्रोइंग। बेबी क्या खाया, बेबी ये, बेबी वो, तो मुझे लगता है भाई बेबी को थोड़ा रहने तो बेबी बड़ा कैसे होगा। नगर में इतनी पूरी नदियां हो चुका है, एंड आई वाज लाइक बोट लेकर जाएंगे। ओह लकी यू। हेलो आंटी, क्या 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 मस्त मस्त है, क्या मस्त है लाइफ, क्या मस्त है लाइफ। हम नो कैप के पॉडकास्ट में आते हुए कहते हैं कि हम सच बोलेंगे सिर्फ, और सच के सिवा और कुछ नहीं बोलेंगे। Let me introduce myself first. तो पॉडकास्ट हमारा जो है, वेलकम टू द नो कैप पॉडकास्ट, और आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो, मैं क्या बोलूँ, इनक्रेडिबल जर्नी रही है फ्रॉम ज़ीनिया टू गोलू। वेलकम टू आर नो कैप पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। फ्रॉम ज़ीनिया टू गजगामनी टू बटाटावड़ा टू श्वेता, नमस्कार। हाय हाय, आई एम टेलिंग यू द माइक, है ना, ये माइक मतलब ऐसा वॉइस मॉड्यूलेशन से लेके डिफरेंट टोन से लेके ऐसा मन करता है कि वाव वाव वाव, इट्स सच अ कैरेक्टर, लव इट। And now I feel like, पता है आपको ऐसा ठहरा फील हो रहा है, मुझे पता है क्या फील हो रहा है, क्या वो नहीं एक गाना है, ए मेरी I wish I could sing but I can't, even I can't। Oh नहीं, बट आपकी आवाज तो बहुत अच्छी लगती है। आपकी आवाज भी बहुत अच्छी लगती है, पता है ऐसा वो रेडियो वाली जो फील होती है ना, हाँ। वो आती है इसमें, हाँ। जो मैं काफी एंजॉय कर रही हूँ, सो आई थिंक दिस पॉडकास्ट माइट गो ऑन, काफी ट्रिम करना पड़ेगा आपको। आप इतनी अच्छी पोएट्री बोलते हैं, तो वो इतना सूदिंग साउंड करता है, इतना पीसफुल साउंड करता है। ऑफ कोर्स आई एम डैम श्योर इफ यू स्टार्ट सिंगिंग ना, हो गया, चलिए सब छूट जाएंगे, कोशिश करेंगे हम, आज ही कोशिश करेंगे। फिर तो फिर पॉडकास्ट यहीं खत्म करनी पड़ेगी। अयो हाँ, हम तो वहाँ थे। डू यू नो व्हाट इज नो कैप? यू नो आई वाज ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू एंड आई वाज होपिंग यू वोंट आस्क मी दैट, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बाकी सारे टॉपिक्स की बात कर रही थी कि ये तो वो ओके पकड़ लिया था मैंने वहीं पे। आई न्यू यू वर डूइंग दिस। नो कैप्स पॉडकास्ट, is it related to caps lock, capitals? No, okay. you know she knows yeah, because they are Gen Z. Even I am. So I'll give you a hint, okay? I like just pride se bola gaya ki even I am nice, but nice. I'm a very old school person, us pe aayenge hum. Okay. Old school पे आएंगे। अच्छा, soul old school है। हाँ जी। और vibe और body is Gen Z। अभी भी आप distract कर रहे हैं। अच्छा, ओ ओ, we are back to the topic। No caps। Yes। No cap। No cap। Yeah। अच्छा, कि कोई cap नहीं है, कि कहीं भी बातें जा सकती हैं। ये close। I give you a hint। जैसे podcast में it's all about real talks। Okay। Now real का opposite। Fake? Kind of. No cap मतलब no lie, no झूठ. How? It's just Gen. Even I don't know how. But no cap means no lie. अच्छा, ए nice, that's a good name, that's a great name. Yeah, I like the name. मैंने जब मैं podcast start करने का सोची थी, मैंने बोला ये नाम रख देते हैं, no cap. हाँ, बढ़िया. नहीं बोलना मेरे podcast. Nice, I like it. हम no cap के podcast में आते हुए कहते हैं कि हम सच बोलेंगे सिर्फ, और सच के सिवा और कुछ नहीं बोलेंगे। शुक्रिया। अच्छा, हम लोग ये ऑफ टॉपिक इतनी बात हो गई है, हम आते हैं मिर्जापुर पे। मैं आपका परफॉर्मेंस, आपका रोल इतना पावरफुल था उसमें, स्पेशली इन द थर्ड सीजन, एक वो कंप्लीटली ट्रांजिशन दिखा है। तो हाउ डिड यू, मतलब एक एक्साइटमेंट नहीं आती थी कि अचानक से आपका वो चेंज हो गया था, कैरेक्टर काफी पावरफुल हो गया था, हाउ वाज योर टेक ऑन दैट कि अब दिखेगी गोलू कौन है? गोलू
Golu is very close to my heart. Yeah. She is one of the most, and I've said this before because it is true, that she is the most complex and complicated and beautiful characters that I have met or even seen. Yeah. Like, sachi, maine Golu jaisa character dekha hi nahi screen pe, na padha hai. So I feel very happy about that. That we did something which was so different. And I know feathers have been ruffled kyunki kai logo ko, ladko ko especially, lag raha hai ki ye, okay, galti unki bhi nahi hai actually. Hum sab conditioning ke products hain. हमने कुछ बातें सुनी होती हैं, देखी होती हैं, और फिर हम वी लव पुटिंग पीपल इन बॉक्सेस इन ब्रैकेट्स एंड वी लाइक टू अटैच स्टीरियोटाइप्स टू देम. आई लाइक डूइंग द एग्जैक्ट ऑपोजिट. आई फील दैट एवरीबडी हैज सो मच कलर. एवरीबडी हैज, हाउ कैन यू डिफाइन पीपल बिकॉज ऑफ हाउ दे लुक or what their gender is or what their size is or what their color is. I think it is more about how you think and what you do, what your actions are, what you believe in. Aap sochte kya hai, mehsoos kya karte hain. So for me, those things are more important than things that you're born with, things that you cannot change. So when I approach a character and how I like to think about myself also is, I do not want to be defined by these physical things, physicalities, by tags and labels, because I think nobody wants that. Yeah. हाँ, हम मतलब हम उड़ने के लिए हैं, हम स्विम करने के लिए हैं, हम भागने के लिए हैं. तो हमें ये क्यों बताया जाए कि आपको अभी नहीं, आप इसी स्पीड पे चल सकते हो, या फिर आप ऐसे हो तो आप सिर्फ यही खा सकते हो. नहीं, ये कौन बता रहा है. हाँ. तो मुझे लगता है कि वी शुड लेट पीपल फ्लरिश. And with Golu, I have learned so much. I feel there is a Golu in all of us. There is, and Golu is somebody who is fearless. Golu is somebody who knows how powerful she is and how powerful she can be. वो निडर है. And वो अपने दिल की बात बोलती है, अपने दिमाग की बात बोलती है, और दोनों से सोचती है. Yeah. And I think वो जो डर है ना, या to make somebody feel small. People can try to do that, but it really depends on how you see yourself. What I love about Golu is that she's a go-getter. She's a high achiever. So, chahe wo season 1 mein president ho college ki, chahe wo topper ho, season 2 mein revenge ki baat ho, ya fir season 3 mein aap kisi bhi situation mein dal doge usko, she is a high achiever. So, no matter what that event might be or what the circumstance might be, wo she will do well. And I love that about her, because there are a lot of similarities that Golu and Shweta have, but हम में बहुत अलग अलग चीजें भी हैं. एंड द ब्यूटी इज दैट एज एन एक्टर, बहुत सारी चीजें, व्हेन वी आर प्लेइंग अ कैरेक्टर, दैट रिमेन विद अस. एंड हमारी कुछ चीजें जो कैरेक्टर के साथ में चली जाती हैं. तो व्हेनेवर आई एम स्टक इन अ सिचुएशन और व्हेनेवर आई नीड टू थिंक विद क्लैरिटी, आई थिंक कि गोलू क्या करती. व्हेनेवर आई डोंट टू गेट फ्लस्टर्ड, आई फील इस सिचुएशन में गोलू क्या करती है. एंड आई थिंक गोलू फॉलोज वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ वॉट आई रेड इन अ बुक, इज WIN, विच इज व्हाट्स इम्पॉर्टेंट नाउ. अगर किसी भी सिचुएशन में कभी भी हम ये सोचें कि अभी एट प्रेजेंट व्हाट डू आई नीड टू डू से फील दैट विल हेल्प मी, दैट इज इम्पॉर्टेंट नाउ, आई थिंक इट गेट्स स्मूदर. Yeah. And when you apply your emotions and your thoughts to now, बहुत फर्क पड़ जाता है. तो Golu, I'm super possessive about her. She has become, she's not your poster child for a healthy mind. वो नहीं है. एंड पता है बात वही है कि हमें ना लड़कियों को ऑन स्क्रीन और इन लाइफ बहुत डिफरेंट वे में देखने की आदत है. एंड मैं सोच रही थी कि मतलब आई डिडंट थिंक दैट हम एक ऐसा लड़की का कुछ अलग हिस्सा दिखा रहे हैं. बाय हिस्सा आई मीन दिमाग वाला. हाँ. कि या ऐसी टाइप की लड़की हो सकती है. एंड व्हेन आई रेड सम ऑफ द कमेंट्स, आई वाज लाइक ऐसा लोगों को क्यों लग रहा है, व्हाई आर दे फीलिंग थ्रेटेंड. एंड देन आई रियलाइज कि गोलू को जब थप्पड़ भी पड़ता है, द वे शी लुक्स बैक, वो खून स्पिट आउट करके वो आंखों में देखती है कि थप्पड़ मारेगा मुझे, तू मार. हाँ. तो नाउ पीपल आर नॉट यूज्ड टू दैट. एग्जैक्टली. पीपल आर यूज्ड टू सीइंग लड़कियों को कि दर्द हो, दर्द होता है, जस्ट बिकॉज़ आप दर्द नहीं दिखा रहे हो दैट डजंट मीन कि दर्द नहीं हो रहा है. बट इट्स नॉर्मलाइज कि वो क्राइंग वाला सीक्वेंस दिखा दिया थप्पड़ के बाद. तो या
एंड दैट इज नॉट रॉन्ग, कोई गलत या सही नहीं है, बट दीज आर कैरेक्टर चॉइसेस दैट आई मेड विद गोलू. तो वो फिर मतलब मुझे लगता है कि अगर आपको उस चीज से तकलीफ हो रही है देन मतलब मेट दैट्स ऑन यू. एंड हमें अपने दिल और दिमाग को खोलना पड़ेगा और अपने हमारे ब्रैकेट्स या उन बॉक्सेस को बड़ा करना पड़ेगा बिकॉज पीपल आर चेंजिंग. गर्ल्स आर चेंजिंग, बॉयज आर चेंजिंग, एवरीबॉडी इज इवॉल्विंग एंड ग्रोइंग. हमारी सोसाइटी जो हम चेंज स्क्रीन पे देखते हैं वो सोसाइटी में भी हो रहा है, और जो हम सोसाइटी में देखते हैं वो स्क्रीन पे भी हो रहा है. And I can just keep on going on talking about Golu. So please ask the next question. इसी से मुझे ये आया कि has Golu, the character of Golu, has impacted your personal life, your real life? It definitely, all characters actually have impacted me. शालू की वजह से I've got poetry. मुझे पता ही नहीं था कि poetry से मैं इतना connect कर सकती हूँ लोगों से, या poetry से मुझे इतना सब कुछ मिलेगा. बिकॉज पोइट्री इज इमोशंस, एंड जहाँ भी इमोशंस मुझे दिखते हैं ना या फील होते हैं तो मैं वहाँ चली जाती हूँ. आई लव इमोशनल थिंग्स, आई एम अ कैंसेरियन, हाईली इमोशनल, एंड इट रियली हेल्प्स विद द जॉब बिकॉज बींग एन एक्टर हमारा तो काम ही है टू ट्विस्ट आवरसेल्व्स इन डिफरेंट इमोशनल सिचुएशंस. एंड द वे आई लाइक टू एक्ट और अप्रोच एनी कैरेक्टर इज की वॉट इज दैट कैरेक्टर गोइंग थ्रू. तो मैं इमोशंस पे, इमोशनल ग्राफ मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है, उनकी जो जर्नी होती है वो बहुत ज़रूरी होती है. गोलू डेफिनेटली हैज़ बिकॉज आई स्टार्टेड माय फिटनेस जर्नी बिकॉज ऑफ गोलू. क्योंकि मुझे ये था कि ये लड़की अगर गन उठा रही है तो ऐसा लगना चाहिए, क्योंकि आपको लिटरली बल और बुद्धि दोनों की ज़रूरत है, सिर्फ गोलू को ही नहीं, सबको. सो गोलू दैट वे हैज़ चेंज्ड माय लाइफ, पर्सनल लाइफ ऑल्सो प्रोफेशनल. मतलब हम घर घर का नाम बन गए, गुड्डू, गोलू, AKT, बीना. सो दैट फील्स वेरी नाइस, क्योंकि नाउ लिटरली जब मुझे कोई गोलू दीदी, गोलू डॉन, गोलू देवी बुलाता है, बाहुबली, गोलू क्वीन, गोलू किंग, गोलू किंग, गोलू, आई लव इट. हमने मैंने यू नो सोचा भी नहीं होता कि ये सब भी लोग ऐसे परसीव करेंगे. तो दैट इज अ ब्यूटी कि एज एन एक्टर आप अपना काम करो, आप अपने किरदार के लिए पूरी जस्टिस करो, एंड फिर लोगों को इट्स ऑलमोस्ट लाइक आर्ट कि लोगों को उस पेंटिंग से जो लेना होता है वो लेते जाते हैं और वो आपके कंट्रोल में नहीं है. एग्जैक्टली. जैसे कि कैरेक्टर्स की बात आई, आपने काफ़ी सारे कैरेक्टर्स किए हैं. ज़ीनिया इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, मतलब सबसे ज़्यादा फेवरेट है. मेरा चाइल्डहुड वहाँ से शुरू हुआ है क्या मस्त लाइव देखने में. वॉट हैज़ बिन योर मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर विच यू कैन रिलेट टू द मोस्ट? गोलू, ज़ीनिया, आप जितने भी और कैरेक्टर्स हैं, आप किससे सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं? आई वुड से विदाउट द डार्कनेस इन गोलू, डेफिनेटली गोलू. ओके. बिकॉज आई थिंक व्हाट शी स्टैंड्स अप फॉर, जैसे सीजन वन में शी डज नॉट लाइक वायलेंस. मुझे लड़ाई, झगड़ा, वायलेंस बिल्कुल नहीं पसंद है. मुझे तो सर दर्द हो जाता है जब मेरी लड़ाई होती है किसी के साथ. सो आई थिंक इन लॉट ऑफ वेज उस वे में गोलू, आई थिंक गोलू की वीरा एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एंड आई थिंक विद मी ऑल्सो दैट्स द केस. And which is also the case with Xenia. Okay. So I think a character that I really, really, really relate to the most is Xenia. Because there is a lot of similarity, I think, in Golu and Xenia as well. In they're very different worlds. Yes. Totally. Like from their dressing to sab kuch. Lekin Xenia Disney ki duniya mein rehti hai, and I think that's me. I like to stay in my Disney world where I like to believe there is good in everybody and in every situation, no matter what people might think about it. Yeah. But I think all of us live here. हम सब, ये जो देख रहा है, आप जो बात कर रहे हो, मैं जो यहाँ पे बात कर रही हूँ, हम चाहे जो भी, हम एक दूसरे के साथ भी हो पर हम रहते अपने दिमाग में. मुझे अपना दिमाग एक अच्छा गार्डन, नर्चरिंग प्लेस बनानी है जहाँ पे काइंड थॉट्स हों, जहाँ पे मैं बिलीव करना चाहती हूँ कि सब में कोई अच्छाई है, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन माइट बी, और जैसे अगर कोई बिहेव भी करे पर नहीं यार, मतलब कोई बॉर्न इवन नहीं होता है. वो कुछ लाइफ में चीज़ें होती हैं, आप लोग मिलते हो या हादसे ऐसे हो जाते हैं जो आपको कड़वा कर देते हैं जी, जो आपसे आपकी होप्स छीन लेते हैं, डिग्निटी छीन लेते हैं, डिज़ायर्स, ड्रीम सब छीन लेते हैं. तो आई थिंक सबकी एक जर्नी होती है. इट्स नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड एवरीबडीज जर्नी, बट आई थिंक इट्स अ लिटिल मोर पॉसिबल टू हैव एम्पथी कि कोशिश तो करते हैं ना.
हम किसी के दुख को या दर्द को फुली हील नहीं कर सकते हैं, बट व्हाट वी कैन डू इज कि उस जख्म को और पोक ना करें. हाँ. मतलब वो हमें शत्रु होने की जरूरत नहीं है, वो जो गोलू के यू नो जो वूंड है और उसको वो करता है, सो लेट्स नॉट बी दोस पीपल. लव विजय वर्मा, बट शत्रु मतलब लिटरली वी मेंटली डू दैट टू अ लॉट ऑफ पीपल, तो आई थिंक वो करने की जरूरत नहीं है. अब चाहे आपको अपने दिमाग में टैरेंटिनो की दुनिया जीनी हो या फिर देन देयर वाज अनदर कैरेक्टर युविष्का, जो कि देयर इज अ फिल्म व्हिच हैज विक्रांत मासी एंड माई सेल्फ, इट्स ऑन नेटफ्लिक्स कॉल्ड कार्गो, डायरेक्टेड बाय आरती कदव. शी इज अ ब्रिलियंट स्टोरी टेलर. तो उसमें मेरा जो कैरेक्टर होता है, शी इज अ हीलर. सो लाइक If you ask me if I could have a superpower, I think it would be two. One was कि ये जो कचरा हमने किया है हर जगह, प्लास्टिक गंदगी, so I really wish हाँ वो मैजिक से मैं सब 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 हटा दूँ. And the other thing is healing. Healing. So I think yeah, Yuvishka is the name of the character, and so I would say Golu, Yuvishka, and the most Xenia. Xenia, love Xenia. You have that aura, you know, the healing aura. You take it with you. Hey, thank you. I feel it around you. We've met before, और वो मुझे हम शायद सिर्फ 5 मिनट के लिए मिले होंगे शायद, but I still felt it. हम लोगों ने उसी टाइम पे वाइब कर लिया था विथ अ फेमस ज़ीनिया का डायलॉग. बटन हेड बर्स्ट. आई थिंक वी डू हैव अ वीडियो. रियली? यस, आई थिंक सो. वी डू, वी डू. माय फ्रेंड हैज इट. बट दैट टाइम आल्सो शी लाइक आई जस्ट मेट हर फॉर 5 मिनट्स एंड जस्ट शी सो 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 नाइस. आई रिमेंबर आई टेक्स्टेड यू, आई टोल्ड माय मदर आई मेट ज़ीनिया. या, यस, यस, यस. आई टेक्स्टेड यू, मम्मा आई मेट ज़ीनिया. तो शी गॉट सुपर हैप्पी. और आज अगर मैं उनको बता दिया कि मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, शी लाइक हेलो आंटी, हाउ क्यूट. बट नहीं, पर्सनली आई लव ज़ीनिया. एक मुझे सिचुएशन दे रही है आपको, ठीक है. इफ आप एक अवार्ड जीत रहे हैं, ठीक है, हाउ वुड ज़ीनिया रिएक्ट एंड हाउ वुड गोलू रिएक्ट? ओ माय गॉड. Xenia, I think, would be a very... Xenia is also a high achiever, yeah, now that I'm thinking about it. Xenia would be wearing something very colorful and she would be extremely happy. Golu, kya yaar, bichari Golu season 1 ki award le rahi hai ki season 3 ki le rahi hai? I think that makes all the difference. But yeah, I think Golu ki speech would be a more... did Xenia also... She was in the events ka thing. I remember the way Kamasa life ended, she was organizing the event. Yeah. I think Golu ki will be a more like a speech to save the world, maybe. So Golu will be very straight face, emotions sare andar. I think the farak Xenia mein hoga ki Xenia ke sare emotions aap dekh paoge, Golu ke sare emotions aap dekh nahi paoge. That's Golu. उसका फ्रंट फेस इतना स्ट्रॉन्ग है कि कई बार मुझे ही समझ में नहीं आता कि Golu, what are you thinking? What are you feeling? वो तो आप ही को मुश्किल था ना, आपने बुलाया है उसके शहर में. हाँ. Golu के शहर तो आपने ही लाया ना वो. बहुत मजा आया था, बहुत मजा आया था. हमें देखने में मजा आया. Yes, I'm so glad. वो जितना सीरियस वगैरह सीन्स हमने देखे, पीछे आई एम श्योर मजेदार सीन्स चलते ही होंगे. During the hideout, the माहौल बहुत similar था. हाँ. Because I almost felt possessed. Okay. I used to sit there, यही हाथ था. हाँ. और वो मैं बैठी रहती थी पूरा दिन. हमारा 3 दिन का शूट था वहाँ पे. I didn't move from there. तो जब लाइटिंग वाइटिंग भी चेंज हो रही होती थी, दे यूज टू आस्क मी कि श्रता, यू नो वी हैव अ 15 मिनट्स ब्रेक, और वी हैव हमें अभी 20 मिनट लगेंगे, एंड आई यूज टू से नो नो आई एम ओके. तो मैं अपनी प्लेलिस्ट लगाती थी गोलू की, एंड मैं उस पर विद माई हैंड टाइड आई यूज टू बी लाइक दैट, बिकॉज एंड आई थिंक दीज थिंग्स हेल्प. लाइक हर एक्टर की अपनी जर्नी होती है टू अप्रोच अ कैरेक्टर. फॉर मी, फॉर गोलू, दैट रियली हेल्प्ड, बिकॉज दैट हाइड आउट, इट जस्ट, इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज so satisfying as an actor. And also the thing is that you, when you have a co-actor like Vijay, yeah, you know, wo literally aap khelte ho ki aapko pata hai scene kya hai, kahan se start hona hai, middle kya hai, end kya hai, but you're playing in that. Yeah. And he is so respecting and respect
respectful. He gave me the space to do what I wanted, and I was in a zone, and he literally told everybody also, let Shweta be in that zone. Yeah. So I really, which is why I admire him so much. I've done two projects with him. Kalkoot bhi maine kiya hai, and I'm a fan of his acting and his choices. I am very, very fond of how he performs. Maza aata hai yaar dekhne mein. Aur mujhe lagta hai life mein sabse zyada important yahi hai. Maza aana chahiye. Chahe aap khana kha rahe ho, chahe aap kuch dekh rahe ho, ya aap kuch pehen rahe ho. मेन मुद्दा इज आपको मजा आना चाहिए, और अगर आपको मजा आएगा तो होपफुली जो देख रहा है उन्हें जो ये हाँ एक्सपीरियंस कर रहा है उनको भी आएगा. एक्चुअली वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मजा आना. मैं हर चीज के पहले करने से पहले ये सोचती हूँ यार मजा आना चाहिए. बोरिंग तो सहन नहीं होता मुझसे, बहुत वो हो जाता है. साइलेंट में फिर भी रह सकती हूँ, बोरिंग चीजें नहीं रहती. और सबका मजा अलग होता है. हाँ, व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज टू realize and understand that aapke liye wo maza kya hai. Haan. But literally like when I walked in and I saw you wearing this dress, I felt happy because of the colors, the way you've done up your hair, your makeup, everything. So I believe a lot in energies and vibes. Yeah. And I got that Xenia vibe from you. The aura. The aura. The aura. मुझे when she ended, I was like, you are looking pinky pinky. फिर मुझे पता चला इनका nickname pinky है. It's true. True. सद के जामा. नजर निकाल दी मैंने. क्योंकि सारे आज तो आप पे नजर लगाएंगी, आप इतने प्यारे लग रहे हैं. Thank you. That's so sweet. So she was listening to a playlist, very cool playlist by the way. और आई गॉट दैट कि इनके हर कैरेक्टर के पीछे कोई ना कोई प्लेलिस्ट है ही. मुझे गोलू के बारे में भी जानना है कि आप वो एक होता है ना कि हम उस जोन में होते हैं. हम कोई गाना सुन रहे होते हैं, हम उस जोन में वही काम कर रहे होते हैं और वो पावर आता है वो गाना सुनने पे ही आता है वो. व्हाट वाज योर प्लेलिस्ट? तो जो गोलू की प्लेलिस्ट है उसमें गाने काफी मेटल रॉक हंगर गेम्स के टैरेंटिनो के फिल्म्स के हैंस ज़िमर के ये सारे इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल दैट ACDC देयर इज अ आर्टिस्ट कॉल्ड सोफी टकर. तो ये एवरीथिंग दैट पुट्स मी इन द गोलू माइंड स्पेस हेड स्पेस उस टाइप के गाने हैं. मा बेकर वेरी यू नो डॉन माफिया लेडी बॉस दुआलीपा बिली आइलिश दो पावरफुल सॉन्ग्स. Also songs of loss. Okay. Also songs of aggression. Also of shame. Because Golu has all these complex emotions going on. Because she does blame herself for a lot of things that have happened in her life. Chahe गन नहीं आती थी ना चलानी. हाँ. उसने नहीं सीखी क्योंकि उसको वायलेंस में इंटरेस्ट नहीं था. उसको लगा कि ये नहीं आएगी कभी काम. But अगर आती तो सीजन टू और सीजन थ्री बहुत अलग होता. हाँ. गोलू गुड्डू की लाइफ बहुत अलग होती. तो एंड यू नो देयर इज दिस डीप सीटेड रेज एंड सेंस ऑफ लॉस नाउ दैट विल ऑलवेज बी विद हर. एंड सीजन टू में हम जब वो शूट कर रहे थे मुन्ना की किलिंग गुड्डू और मैं एज श्वेता एंड एज गोलू लिटरली जब वो शूट भी हो गया ना एक तो लगा कि हमारे कंधों से देयर इज अ हैवी वेट दैट हैज बीन लिफ्टेड. And Ali and I, we hugged and we just cried. And we know we are actors. We know that we are playing characters. And ये दुनिया असली नहीं है. हाँ. But कहीं ना कहीं यार हम उनकी सांसें ले रहे हैं अपने characters की. तो वो फर्क पड़ता है. And मुन्ना को मार के भी ना like and I think that's in my expressions as well. मार लिया बदला ले लिया अब क्या? तो क्या हाँ क्या good क्या sweetie बबलू क्या वो वापस आएंगे? एंड अब हम कहाँ आ गए ये वायलेंस के चक्कर में ये दुनिया में. गोलू के डैड इज नो मोर. लाइक लिटरली आई फील सो सैड थिंकिंग अबाउट गोलू बिकॉज इस पावर का क्या फायदा है? कि कोई है ही नहीं आपकी लाइफ में, आपके फैमिली मेंबर्स ही नहीं बचे. इमेजिन रॉबिन के साथ जो हुआ है. सो एंड दैट्स द थिंग व्हेन पीपल से दैट वायलेंस ये है वायलेंस की वजह से इन किरदारों का क्या हो रहा है. वुड यू वॉन्ट दिस लाइफ? आई वुडंट वॉन्ट दिस लाइफ फॉर anybody because it's not the good life and इसलिए गुस्से से negativity से इस सबसे कोई फायदा नहीं है. और जितनी जल्दी हम ये समझ जाएं सीख जाएं हम we will make the world a better place. Yeah. And why not do that? Why not encourage each other? Why not root for each other? Why not support each other? वही क्योंकि we are the superheroes we are waiting for. Yeah. So we have to take charge क्योंकि कौन आएगा हमारी दुनिया को बचाने या हमें बचाना है? कोई नहीं आने कोई वाला. नहीं आ रहे भाई, हमें खुद को बचाना है क्योंकि सब लोग बदला ले लेते हैं.
कुछ नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, बट कोई ये नहीं सोचता कि अगर हमने बदला ले भी लिया उसके आगे क्या क्या ही करना है, क्योंकि आप बदला और पता है क्या होता है, जैसे अगर आप कोई लड़ाई भी सोचो कि आपकी लड़ाई कहीं से स्टार्ट होती है, फिर उसकी वजह से कुछ होता है, फिर उसकी वजह से कुछ और होता है, कुछ और होता है, फिर वो इतनी इतना आप अंदर चले जाते हो ना कि आपको याद नहीं होता कि वो लड़ाई स्टार्ट क्यों हुई थी, मिर्जापुर कि कहाँ से बात स्टार्ट हुई थी और कहाँ जाके अब क्या क्या हो रहा है, यू फॉरगेट कि ये शुरुआत जो हुई थी वो क्यों और कैसे हुई थी, हाँ। वो मुद्दा ही अलग हो जाता है। आपको कहीं भी दे लो, इनफैक्ट आई एम वॉचिंग हाउस ऑफ द ड्रैगन दीज डेज, उसमें भी वही वो मेंशन करते हैं कि वॉर स्टार्ट क्यों हुई है, वो फिर इट्स वो आप ट्रेस बैक करने जाओ आप वो कहीं खो चुकी है बात। तो इसलिए आप अगर चाहे कोई दोस्ती में या फिर अगर आपके पेरेंट्स के साथ या किसी भी रिलेशनशिप में आपको ऐसा लग रहा है जहाँ आपको ठीक नहीं लग रहा है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टॉक अबाउट इट टू दैट पर्सन, इट्स नॉट कम्फर्ट, मतलब आसान नहीं होता है कि उस इंसान से बात करना, बट ट्रस्ट मी द सूनर यू टॉक टू दैट पर्सन द सूनर यू सॉल्व इट you will be in a happier place, that person will be in a happier place. So if you care then please have that conversation, and if you don't care still have that conversation, because hame nahi pata hai what the other person is going through. I know, conversation is the key guys, conversation is the key. It's important kyunki hum assume bahut karte hain ki isko aisa lag raha hoga, mujhe aisa lag raha hai, isne wo kya, isliye nahi, overthinking never helps. Agar kuch doubt hai to clear kar lo. मैं सबको यही बोलती फिरती हूँ, अज्यूम मत करो, बात कर लो जाके, खत्म कर लो। अज्यूम का ही मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था कि व्हेन यू अज्यूम यू मेक एन एस आउट ऑफ यू एंड मी। यस दैट्स ट्रू, बहुत डीप कॉन्वर्सेशन हो गई हमारी। मुझे पूरा गाना आता है वैसे। ओह love it, love it. I'm telling you, मैं repeat पे भी देख चुकी हूँ बहुत बार। ओ मस्त है ये जादू friendship का, हर घड़ी का है अपना है जिसमें भी चिल करता है दिल। Wow यार, nice आगे सोच रही थी मैं। ये आसमान ने बनाया था track, जिन्होंने बनाया चंदू क्या, अच्छा Gen Z wouldn't know. Excuse me. मैंने क्या मस्त लाइफ देखा है। That is true. तो मैं आई एम नॉट Gen Z इनफ, बट आई एम Gen Z बाय एज। बस वो रिस्ट्रिक्ट करिए एज से, मैं Gen Z हूँ। मैं बोली थी 9 years हो गए मसान को। 9 years हो गए मसान। 9 years। Yeah. Wow. जब आप दूसरों के बच्चे देखते हो ना बड़े होते हुए, जब आप देखते हो कि 9 years हो चुके हैं, तब आपको रियलाइज होता है कि अच्छा, क्योंकि शक्ल से तो लग नहीं रहा कि हम एज कर रहे हैं, बट हाँ ये सब जब पता चलता है तो लगता है कि Sweet 16. सच ही नहीं लग रहा, 9 साल हो गए। हाँ बिल्कुल फील नहीं आ रही 9 साल हो गए। वो तो मुझे कैमस से लाइफ में भी नहीं आती। कैमस से लाइफ में तो मुझे जानना भी नहीं कितने साल हो चुके हैं। मुझे अभी भी लग रहा है कि बस मैंने कुछ साल पहले ही देखा था, अभी अभी देखा है, यही है। तो 9 साल वाले मुझे मसान के लिए भी यकीन नहीं हो रहा था, मैंने देखा मैं सोच में पड़ गई 9 साल। बट हाँ वो सारी फिर वो मेमोरीज आ गई दिमाग में। आर यू स्टिल इन टच विद विकी कौशल? विकी इज सच अ ग्रेट गाय, विकी इज एवरीबडी नोज दैट हाउ व्हाट अ फैबुलस डांसर एक्टर ही इज। ही इज वन ऑफ द मोस्ट हम्बल पीपल, ही इज ऑलवेज बीन सो काइंड, वेरी केयरिंग, एंड आई थिंक ही विल ऑलवेज बी दिस पर्सन बिकॉज हिज हार्ट is in the right place, and I really wish him all the love and luck, kyunki wo banda bahut sahi hai, bahut correct hai, to wo aage jata jayega because he has this goodwill, and it's I think it's about how you make people feel, and he always treats people with kindness and respect, which is something that everybody can and should learn from. Yeah, अभी उनका काफी वो ट्रेंड हो रहा है, कौन सा गाना, तौबा 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 तौबा, क्या डांस किया है। आई नो भाई, ही मेक्स इट लुक सो इजी बिकॉज़ ही डज इट सो स्मूथली, ही इज ब्रिलियंट इन दैट। वुड यू वांट टू वर्क विद हिम अगेन? 100% दैट वाज विदाउट सेइंग, या बिकॉज़ मसान वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड ही इज वेरी ऑनेस्ट,
एंड वो उसके हर परफॉर्मेंस में ही दिखता है. तो और जब आप अच्छे लोगों के साथ काम करते हो ना, तो आपकी क्राफ्ट भी बेटर होती जाती है एंड आप एज ह्यूमन बींग्स भी बेटर होते जाते हो. सो आई वुड ऑलवेज वॉन्ट टू वर्क विद हिम, विद नवाज भाई, विद जीतू, इनफैक्ट ऑल माई को एक्टर्स, विजय, अली, मैसी, सभी, शशांक, ऑल ऑफ देम. लवली. और जैसे यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, बहुत ज़्यादा. ऐसा हुआ है कभी जब आप डायलॉग्स पढ़ रहे हैं, एक सीन पढ़ रहे हैं, आपने अपना उसमें इम्प्रोवाइज किया है कि ये कर सकते हैं? वो मोस्ट एक्टर्स करते हैं. मतलब ये मैं नहीं कहूँगी कि सर मैं करती हूँ. कोई सीन अगर आपने किया हो. द थिंग इज फिल्म मेकिंग इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस, तो वो होता ही रहता है. एक जो मैंने नहीं, मुन्ना ने किया है सीजन टू में, वो जो ललित, दैट वाज हिज इम्प्रोव. एंड ये भी ठीक है, इज प्रियांशु का इम्प्रोव. तो वही एक्टर्स कहीं ना कहीं अपना अपना वो, एंड दैट इज द डिफरेंस, कि वही पार्ट अगर कोई एक्ट कोई और एक्टर प्ले करेगा, वो अपना लेकर आएगा, वो अपनी छवि छोड़कर जाएगा. सो दैट्स द थिंग, दैट व्हाट डू यू ब्रिंग टू द टेबल. मुझे दूसरों के याद हैं. अली का जब हम लोग ये कर रहे थे, जो हमारा जो वर्कआउट वाला सीन है जहाँ पे मैं अली को कहती हूँ कि हम आपके बुद्धि हैं जिसका आप इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं, वो अली का आइडिया था कि गोलू शुड जस्ट, एंड द थिंग इज कि वो फिंगर्स आप रोक सकते हो, बिकॉज तब वो इतना हेवी हो जाता है, एंड दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ फिंगर, कि हाउ डू यू यूज इट. तो वही कोई ना स्ट्रेंथ सबके पास है, आप उसको यूज कैसे करते हो, उसके लिए आपको बुद्धि की जरूरत है कि आप अपना बल सही तरह से इस्तेमाल कैसे करना है, दैट्स टोटली अप टू यू. या सबकी याद है, अपनी याद नहीं आपको. हाँ, अच्छी बात है, अपना कंफर्ट क्या ही ब्लॉक रही. नहीं नहीं, सो टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, व्हाट्स योर टेक ऑन सिचुएशनशिप्स? आजकल के जो जेंजी टर्म्स हैं, सिचुएशनशिप्स, यू आर कि सिचुएशन के हिसाब से रिलेशनशिप. हाँ, व्हाट डज दैट मीन? सो सिचुएशनशिप इज, भाई काश मैं ओल्ड स्कूल ना होती तो मुझे भी पता होता, बट मुझे भी सिचुएशनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, क्योंकि अगर कोई इंसान है वो एक सिचुएशन के हिसाब से, आप अगर आपको जिस टाइम के लिए लगता है कि हाँ हम हैं साथ में फॉर द टाइम बीइंग, जब तक टाइम चल रहा है, उसके बाद देखी जाएगी. सो देन मतलब आई एम गेसिंग दैट्स लिविंग इन द नाउ. मे बी सी मुझे, ओके, बट मुझे ये लगता है दैट व्हाट इज वेरी इम्पॉर्टेंट इज टू रिस्पेक्ट फीलिंग्स, चाहे वो किसी और की हो या आपकी हो. सो एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हर्टिंग समबडी और यू आर नॉट हर्टिंग योर सेल्फ, व्हाटएवर सूट्स यू, यू शुड डू दैट. बट रिस्पेक्ट, स्पेस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं फॉर मी इन अ रिलेशनशिप. तो चाहे वो शादी की रिलेशनशिप हो, या वो एक दोस्ती हो, या फिर वो सिचुएशनशिप हो, आई थिंक व्हेन देयर इज क्लैरिटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज ये ना हो कि एक पर्सन सिचुएशन सोच रहा है और दूसरी पर्सन ने अपने दिमाग में सात फेरे ले लियो. सो आई थिंक दैट नाउ, बिकॉज व्हाट आई रियली लाइक अबाउट जेन ज़ी इज आई थिंक दे हैव क्लैरिटी, which a lot of other people didn't have, also conditioning, जो हमारी सबकी हो रखी ना, क्या सही है क्या गलत है. आई थिंक Gen Z, the good thing about them is, वो उस ब्रैकेट में नहीं खेलते, उन्होंने ब्रैकेट तोड़ दिया है. सो देर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम Gen Z. बट वन थिंग दैट आई वुड वॉन्ट टू टेल देम एंड एवरीबडी इज फीलिंग्स एंड इमोशंस हैव टू बी रिस्पेक्टेड. तो बिकॉज यू नीड टू प्रोटेक्ट दैट, क्योंकि आजकल ना दुनिया में बहुत सारी गड़बड़ चीज़ें हो रही हैं. देयर इज़ अ लॉट, देयर इज द प्रेशर ऑफ सोशल मीडिया. अभी सबको लगता है, इमेजिन, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस वी वेक अप थिंकिंग वी आर नॉट इनफ, या फिर आज हमें क्या क्या करना है, आज क्या क्या होना चाहिए, फिर हम दिन में वो करते रहते हैं, चाहे वो लाइक्स की बात हो, चाहे वो कॉमेंट्स की बात हो, चाहे वो शेयर्स हो, हमने वो अपना यार्डस्टिक बना लिया है ऑफ सक्सेस. दैट आई फील इज नो 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 नो. ये सोसाइटी हमें बताने की कोशिश करती है, क्योंकि उनको तो अपना सामान बेचना है, पर अगर हम उसमें बह जाएंगे तो हम लिटरली अपना, हमारा जो भी है ईमानदारी टूवर्ड्स आर थॉट्स, वो भी बह जाएगी. एंड हमारी जो इंडिविजुअलिटी है उसका क्या होगा? हम यहाँ सेम थोड़ी ना है, हम वी आर नॉट अ शेल्फ में रखने वाला प्रोडक्ट कि सबको सेम होना चाहिए. हमें अलग होना है क्योंकि हम अलग हैं. वी शुड डेफिनेटली लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड ग्रो. बट तो आई थिंक वो कुछ चीज़ें जो प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. सो प्लीज़ इसकी जो
पावर है वो वी शुड कीप फॉर कम्युनिकेशन टू रीचिंग आउट एंड टू लर्निंग. बट लेट नॉट दिस टेक ओवर आर लाइफ सो मच दैट हम फिर फुल्ली उसमें कंज्यूम हो जाएं और जहां हम एक दूसरे से हमने बात करना बंद कर दिया, महसूस करना बंद कर दिया है और हम बस वो टैप 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 में बिलीव करने लगे हैं. Actually, social media can be scary, but why? It depends on who are the people you are following. Yeah. What are you following? आप खुद भी सोचो, क्योंकि आप जो अपने feed में देख रहे हो, feed, you are feeding it into your system. Do you want to feed that? Because ये सारी subconscious चीजें होती हैं जो हमारे जहन में चली जाती हैं. Yeah. तो हमें लगता है अरे हमें क्या affect करता है, but affect करता है. तो please be careful of what you're feeding yourself, your mind, because it will show. Yeah. And you will feel it. Do you believe in manifestation? I do. You do? I do. And obviously it's difficult. ऐसा नहीं कि आप manifest करोगे तो सारी चीजें हो जाएंगी. आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी. आप बेड पे लेटे लेटे आप चीजें नहीं manifest कर सकते. So I think you need to keep working towards opportunities. जैसे कि जब वो आए तब आप छक्का मारो. वो बहुत जरूरी है. तो मतलब आई बिलीव, आई ऑलवेज होप लाइक अ प्रोजेक्ट डज वेल. और मोर देन दैट फॉर मी इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि माई कैरेक्टर नीड्स टू बी लाइक, बट वॉट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी इज दैट माई कैरेक्टर नीड्स टू बी अंडरस्टूड कि ये जो ये कर रही है वो क्या कर रही है और क्यों कर रही है. तो जैसे मैं मैनिफेस्ट हमेशा करूँगी कि लोगों के लिए अच्छा हो, द पीपल दैट आई एम फॉन्ड ऑफ, पीपल दैट आई रिस्पेक्ट. बट वो अपने आप नहीं होगा. तो गोलू के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी या शिखा फ्रॉम ये काली काली आंखें मुझे करना पड़ेगा. वो बिना किए नहीं होगा. आपको अपना एंड करना है एंड यूनिवर्स विल कीप देयर एंड ऑफ द बार्गेन. दैट इज व्हाट आई बिलीव इन. डू यू थिंक यू सबकॉन्शियसली मैनिफेस्टेड बिकमिंग एन एक्टर? 100%. इवन चीता, आई थिंक ऑल दिस, इनफैक्ट दिस इज, इफ माई 6-year-old baby me, yeah, knew that this is what I'm doing, she would be very happy. She would be extremely happy. And that's what I thought hamare trailer launch ke day pe. I was like, wow, yaar. Matlab, Mirzapur is one of the most watched shows of the country, yes. Most popular. Look at the cast, crew, so all full of wonderful people. Golu is one of my favorite characters. So life is good. Main mehnat kar rahi hu apne kaam ke liye. तो उसका रिजल्ट आज नहीं तो कल, एंड मुश्किल होगा. दिस इज वन थिंग आई वॉन्ट टेल एवरीबॉडी दैट फॉलोइंग योर ड्रीम्स इज डिफिकल्ट. ऐसा नहीं कि सब कुछ आपके लिए दरवाजे, खिड़कियाँ, रेड कार्पेट सब कुछ अपने आप आ जाएगा. वो होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम लग सकता है, लेकिन टैलेंट को कोई दबा नहीं सकता है. तो आज नहीं तो कल, बट यू कांट गिव अप. And there will be times that you would want to give up. You'll be frustrated. You'll be thinking, अभी भी मेरे साथ होता है. दो दिन पहले मेरे साथ हो रहा था. तो ऐसा नहीं है कि आपको एक कोई चीज़ मिल जाएगी और उसके बाद स्मूथ सेलिंग होगी. That is life. There will be ups and downs. There will be whirlpools that you'll be stuck in, and you'll think, अरे यार मिर्ज़ापुर आ गया, अच्छा ये हो गया, इतने reviews भी, इतनी तारीफ है, हम गोलू किंग भी बन चुके हैं, सब कुछ हो रहा है. Life has its own plan. So all we can do is keep trying. Yeah. और कीप नॉकिंग एंड जो सही दरवाजा खुलना होगा वो खुल जाएगी. वाह, इससे मैं काफी कुछ सीख रही हूँ. थोड़ा नॉलेज मिल रहा है मुझे भी, बहुत ज्यादा मिल रहा है एक्चुअली. और मैं तो यार जेन ज़ी, मैं क्या हुई, मिलेनियल ना? हाँ, आई थिंक सो. या हुई ना? या करेक्ट. आपको मैंने जेन ज़ी वाइब दी अभी तक? मुझे तो जेन ज़ी इज अच्छी, मुझे लगता है कि देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम एवरीबॉडी. हम शायद चीजें बहुत सीरियसली लेते हैं, लाइफ सीरियसली इतनी भी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि मजे, व्हाट वी स्टार्टेड विद, मजे बहुत जरूरी है. मजे बहुत जरूरी है. और कमिंग फ्रॉम पंजाबी फैमिली, हमारे घर पे शांति नहीं होती. और खाना कितना बढ़िया होता है, मैं आपके लिए लेके आऊंगी. पक्का? डन है. ओके, परफेक्ट. आपको क्या पसंद है? राजमा चावल, पराठे, छोले कुलचे. ओके, डन कर दिया. डन, परफेक्ट. हमारा लस्सी, मुझे मीठा नहीं पसंद. हाँ, नमकीन. छास, छास. I am a lover of छास. मैं रोज लंच में छास पीती हूँ. Yes. तो फिर डन है. मेरे घर पे डिनर प्लान, नहीं डिनर तो नहीं, लंच, लंच प्लान करेंगे और फिर हम लोग लंच पे पॉडकास्ट करेंगे. ओह ग्रेट, 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 ग्रेट. छोले कुलचे खाते खाते मेरे ना दिमाग में से बड़े जोर से सवाल आ रहे हैं. तो काफी अभी रिसेंटली सीरीज आ रही है, मूवीज आ रही है, बहुत
मैंने अभी रिसेंटली हीरा मंडी देखी, काफी मैजिकल. उन्होंने काफी, संजय लीला बंसाली हैज डन अ अमेजिंग जॉब. एंड रिचा, ओह माय गॉड, शी इज फैबुलस, फैबुलस, फैबुलस. वो मेरे दिमाग में ना एकदम ऐसा प्रिंट हो गया है वो सीन, है ना. और बहुत बढ़िया किया. और ऑपोजिट साइड में आई है एनिमल. एनिमल जो है कैसे क्रेजी मूवी. तो अगर इफ यू गेट अ चांस, हु वुड यू वांट टू वर्क विद, संजय लीला बंसाली और संदीप रेड्डीवांगा? I love the way Mr. Bhansali treats his women. I think he gives them a lot of power and he makes them look beautiful. And his story... See, I've seen more of his work. Yeah. So, maine Sandeep ji ki sirf Animal hi dekhi hai. And Mr. Bhansali ki to almost har movie dekhi hai. So, yeah, Mr. Bhansali. Yeah, because I think there is a lot, even the textures, his set, his costume, dance. So I think wo learning na bahut zyada hogi being on his set. Uh-huh. Like even in terms of aesthetics, yeah. Even in terms of performance and dance to seekhna hi padega. तो ज़्यादा विन विन आई थिंक मेरे लिए वहाँ पे ज़्यादा होगा. और वो उनका जब भी हम चीज़ें देखते हैं वो एक मैजिकल, हाँ हमेशा एक मैजिक क्रिएट. और गजगामनी तो उनके शो में भी है. तो गजगामनी, गजगामनी तो हैज टू मीट. Now I want to see you in that character. Yeah. I can just imagine. Oh, yeah, oh. I'm manifesting a musical. We are manifesting. Fingers crossed. Oh my God! Oh, wow! मतलब बड़े जोर से सवाल आ रहा था मुझे ये संजय लीला बंसाली वाला, क्योंकि आज वो आप फीलिंग में है ना, आज आप वो प्रॉपर आउटफिट में आए हैं, वो मुझे फील आ गई. आई लव वेयरिंग साड़ीज. आई एम या एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल. तो जिनको भी लगता है ना कि अरे साड़ी कैसे पहनेंगे, या मुश्किल होगी, कुछ मुश्किल नहीं होता, बहुत ही कंफर्टेबल होता है. मुझे लगता है ऐसा. इट्स बहुत ही यार, बिकॉज इट्स सो लाइट. मतलब कॉटन की साड़ीज ऑब्वियसली, जो बाकी अलग जो कांजीवरम साड़ीज होती हैं, सिल्क की होती हैं, दे आर डिफरेंट. बिकॉज ऑफ माय साइज एंड फ्रेम आई एंजॉय कॉटन द मोस्ट. This is such a unique way to style a sari. It looks lovely. Thank you. और बस मैं तो आपको lunch पे सारी और क्या. फिर अगर ज़्यादा खा भी लिया तो हम बस पेटीकोट को थोड़ा लूज करके वापस बांध सकते हैं, comfy cozy. मुझे ना एक और चीज पूछनी थी आपसे. तो being a Gen Z, I want to know relationship में ऐसी तीन चीजें जो आपके लिए risk है, जो आप सजेस्ट करेंगे लोगों को कि वो रिस्क है, आप आगे मत बढ़े उस चीज पे. मतलब रेड फ्लैग्स. या रेड फ्लैग्स. इफ द पर्सन डज नॉट लिसन. या आई थिंक लिसनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हम उस इंसान के इमोशंस को भी समझ रहे हैं और हमें सीखने को भी मिलता है. तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सुनोगे तो सिर्फ दूसरे पर्सन का फायदा, जो बोल रहा है आपके भी बहुत फायदा होता है. सो आई वुड से इफ समवन डजंट लिसन टू यू, इफ योर पार्टनर और फ्रेंड डजंट लिसन टू यू, देन दैट्स अ रेड फ्लैग. स्पेस. आई रियली बिलीव दो जिस्म एक जान नहीं है, दो जिस्म हैं और दो जाने हैं. तो नो मैटर हाउ मच यू लव द पर्सन, आई थिंक स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ समबडी इज टू क्लिंगी, देन आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वाई द पर्सन इज क्लिंगी, बिकॉज इट डेफिनेटली कम्स फ्रॉम चाइल्डहुड में कुछ है या फिर कोई इनसिक्योरिटी है. तो ऐसा नहीं है कि उस पर्सन को आप हटा दो, पर आप वो समझने की कोशिश करो कि इंसान ऐसा क्यों है. सो आई थिंक जो भी रेड फ्लैग्स हैं ना, इफ़ यू अंडरस्टैंड देम देन दे कैन बिकम ग्रीन फ्लैग्स. सो दैट, और जैसे वो होते हैं ना जो कि बेबी क्या खाया, बेबी ये, बेबी वो, तो मुझे लगता है भाई बेबी को थोड़ा रहने तो बेबी बड़ा कैसे होगा अगर बेबी बेबी हम इतना करेंगे. थर्ड थिंग आई थिंक इज रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी रिलेशनशिप, बी इट हाउ यू स्पीक to with somebody. It might be respecting your dreams, it's how you make somebody feel. I think that's one of the most important things in life. aap chahe jitna bhi aapne, aaj subah hi Malika ne mujhe ek reel bheji jo itni खूबसूरती से उन्होंने, if you can play that reel, बहुत अच्छे से बोला है कि success क्या होता है. तो जब कोई बोलता है कि वो successful है तो आपको लगता है कि उन्हें लगता है कि वो पर्सन काइंड होगा, अच्छे से बात करता होगा, प्यार से बात करता होगा, पर हमने सक्सेस को ना नंबर्स से टाई कर दिया. वो गलत है. क्योंकि नंबर्स से हम क्या अचीव कर लेंगे? आपको रात को नींद कैसे आती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपके बैंक अकाउंट में पैसे कितने हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दिस इज़ वन थिंग कि हमारे पास जितने कपड़े हो जाते हैं ना,
उतना उनको संभालने का सर ज्यादा होता है. ये बॉम्बे में रह के ये तो जो फंगस लग जाते हैं कपड़ों पे उसको ड्राई करो. इनफैक्ट आज का मेरा प्लान यही है, घर जाके मैं सारे कपड़े निकालूंगी, उनको एयर आउट करूंगी, फिर अलमारी साफ करूंगी, फिर वो कपड़े वापस फोल्ड करके अंदर रखूंगी, क्योंकि वो भेज की स्मेल जो आ जाती है. या फिर वो जो बैग्स माई सिस्टर इन लॉ, शी हैज सच अ ब्यूटिफुल, एक शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट, तो अपने खुद के पैसे से वो बैग खरीदा था. और फिर जब वो पूरा ऐसे फंगस उसके ऊपर हग करके जो वो निकला था उसे, बहुत दर्द होता है भाई. बिकॉज अगेन मनी नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड. सो आई थिंक वी आर पुटिंग पेगिंग आर थिंग्स ऑन द रॉन्ग थिंग्स. तो वो मजे, बैक टू मजे. मजे तो वो मुझे लगता है कि नंबर्स इंपॉर्टेंट है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट व्हेन यू वेक अप हाउ डू यू फील, व्हाट डू यू फील व्हेन यू वेक अप एंड व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप, व्हाट एंड हाउ यू फील. दैट फॉर मी इज सक्सेस. लवली. हम रिलेशनशिप पे थे. कैन यू डिफाइन योर रिलेशनशिप विद चैतन्य इन वन वर्ड? वन वर्ड मतलब द वन टर्म दैट इज कमिंग टू माई माइंड इज बेस्ट फ्रेंड. बिकॉज बेस्ट फ्रेंड्स जो होते हैं वो एक जो सिक्योरिटी होती है दैट नो मैटर वॉट हैपन्स, अगर आप लड़ाई भी कर रहे हो बेस्ट फ्रेंड के पास तो आप वापस आओगे ही ना आओगे, बिकॉज यू लव दैट ह्यूमन बींग. इट इज नॉट, और मुझे पता है एक और चीज लगती है जो आई थिंक जेंजी इज वेरी गुड विद, दे डोंट टैग रिलेशनशिप्स. हम ना वो टैग दे देते हैं हर रिलेशनशिप को कि लड़का लड़की ऐसे होंगे या फिर लड़की लड़की ऐसे होंगे. नहीं, देर आर लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स विच आई हैव विद सो मेनी पीपल वेयर देर इज प्योर लव एंड रिस्पेक्ट एंड देर इज नो हिडन एजेंडा एनीवेयर. Yes. तो पहले आई थिंक हमारे जमाने, पहले जमाने में ना हम चाहे वो रिलेशनशिप्स होती भी थी बट पता नहीं टैग हमें डालना क्यों पसंद है. सो आई थिंक देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स दैट यू माइट हैव विद योर टीम मेंबर्स, विद योर स्टाफ, विद योर क्रू मेंबर्स. वी शुड सेलिब्रेट दैट एज वेल. You know, it really gets hard to make your parents understand कि जब वो एक टाइम था ना कि एक लड़का लड़की बाहर जा रहे हैं, मम्मी दोस्त है वो, हमने फिल्मों में भी तो हमने ही दिखाया ना. लेकिन कि एक लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, ये मतलब really, I have lot of male friends, I have lot of female friends and they are all fabulous and I love them and मुझे उनसे relationship wise, physically या whatever नहीं चाहिए ना, उनको मुझसे कुछ चाहिए. It is again how we make each other feel. Yeah. I think it's very important to be each other's safe space. वो जरूरी है. और मुझे लगता है मम्मी पापा भी समझ जाएंगे, समझते हैं, बिकॉज आई हैड माय बेस्ट फ्रेंड एंड वी ट्रैवल टुगेदर एंड ना उसकी फैमिली ना मेरी फैमिली, वो हमने कभी वो कुछ हुआ ही नहीं है कि बेटा शादी कब कर. नहीं यार, मतलब बहुत यू नीड टू नो, यू नीड टू हैव दैट मच क्लैरिटी. या फिर अगर आप कंफ्यूज भी हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, रिलेशनशिप इतनी अच्छी होती है कि आपको लगता है कि इज दिस द वे बीइंग अ पार्टनर, इज द ओनली वे टू बी विद दैट पर्सन. नो नो, यू कुड बी क्रिएटिवली कोलैबोरेटिंग विद अ पर्सन, यू कुड बी जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद पर्सन और जस्ट बीइंग दैट पर्सन सेफ स्पेस. आई थिंक दैट फॉर मी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. लाइक हाउ मलिका मेक्स मी फील इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम माई हाउ माई चाइल्डहुड फ्रेंड मेक्स मी फील इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ चीता मेक्स मी फील. एंड ऑल रिलेशनशिप्स आर इम्पॉर्टेंट. Of course. Yeah. Talking about Cheetah. Have you ever pranked him? वो प्रैंक करता है. ही इज वेरी, ही इज अ विटियर एंड हिज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड एवरीथिंग इज या रोज कुछ ना कुछ तो हमारा चलता ही रहता है. आई एम चैलेंजिंग यू टू प्रैंक हिम राइट नाउ. राइट नाउ, राइट नाउ. अरे ही नोज मी इन एंड आउट. मैं अगर कुछ फोन करके भी, एक तो मैं रियल लाइफ एक्टिंग में ना, आई एम सच अ नल्ला पाव व्हेन इट कम्स टू दैट, दैट वो ही जस्ट ऑलवेज ऑलवेज नोज इट. दैट्स वन थिंग ही कीप्स डूइंग. जैसे हम बात कर रहे हैं एकदम से बिलेगा हाय. So if you turn like wow 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 what happened what happened. So kai bar then I do that jab main successful usme ho jati hu to mujhe bahut khushi hoti hai. Oh ho. Yeah, it's difficult to prank him. He's a real prankster. Hame real prankster ko prank karna hai. Lunch pe. Tab tak hum search ke rakhenge. Ha, sochte hain kya prank karna hai. Done. Kyunki I am with prankster. Oh, nice. So great. To idea fir aap hi batana. Ha ha, batayenge. Nice. Maine to soch bhi rakha tha kuch na kuch to bol hi dete the unko. Ha, kya? Jaise बोलो बोलो. मैं तो फोन करके कहती कि यार श्वेता गिर गई है. तो कहेगा श्वेता उठ जाएगी. नहीं, गिर गई.
ऐसा प्रैंक नहीं चलेगा। नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था, बट ठीक है। ओके, वो जब हम करते ना मैं तब बताती हूँ। लंच पे, लंच पे ठीक है, ठीक है, लंच पे बताऊंगी। या हमारा लंच फिक्स है, हमारे वहां पे मुझे ना हिडन कैमरा सेट करना पड़ेगा। देखो मेन्यू फिक्स हो चुका है, प्रैंक करना है ये फिक्स हो चुका है, और लोग फिक्स हो चुके हैं, कैमरा तो हो जाएगा। लंच की बात, मैं थोड़ा भूख लग गई, मैंने खाना नहीं खाया था। बट आपने दिल्ली का खाना खाया, मुंबई का खाना खाया, अब ये दिल्ली मुंबई वाली फाइट मैं थोड़ा करने वाली हूँ आपसे, कौन सा बेटर है? देखो मुझे बॉम्बे के लोग ना बहुत पसंद है, आई लव उनकी जो एनर्जी होती है, उनका जो हार्ड वर्किंग एटीट्यूड होता है, उनका जो नो नॉनसेंस एक जो होता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। पर भाई खाना दिल्ली का, मतलब मैं तो बॉम्बे वालों को लेकर जाना चाहूंगी दिल्ली का खाना, क्योंकि दिल्ली का खाना, दिल्ली की हरियाली और दिल्ली का एक जो नेचर है सेलिब्रेट करने का, और मतलब मुझे दिल्ली में बहुत, वही बॉम्बे में ना चाहे जो भी टाइम हो जाए, अगर काम है तो काम 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 चलता रहता है, दिल्ली में ऐसा नहीं होता, दिल्ली में एक अलग पेस ऑफ लाइफ चल रही है। सो आई कॉल इट मातृभूमि एंड कर्मभूमि, so I love both and I really am very happy that I have these two places which are so different from each other, जैसे कि मैं दोनों enjoy कर पाऊँ। अब बॉम्बे का खाना इतना ज़्यादा अच्छा हो जाता है तो मुझे थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि फिर control करना, इतना control नहीं है मुझ में, here it's easier to control, but also I love घर का खाना, like genuinely मुझे बाहर का, आप मुझे कुछ भी option दो बाहर जाने का, घर का ना, I will always choose घर। I am ending the war by saying it कि दिल्ली का खाना बहुत अच्छा, 100% मैं खुद बॉम्बे का वड़ा पाव, हाँ बटाटा वड़ा, बटाटा वड़ा, बटाटा वड़ा, एंड ये बॉम्बे के लोग बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, एंड आई थिंक दैट इज, अब तो हम भी बॉम्बे के हो चुके हैं, आई थिंक आई हैव स्पेंट सम 15-16 इयर्स इन बॉम्बे, बॉम्बे इज होम नाउ, बॉम्बे इज होम। तो दिल्ली का खाना, खाना दिल्ली का खाना, दिल्ली का बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें, फुल ऑफ ट्रीज, एंड दिल्ली में आप मतलब वही कि आप ढाबे से लेके किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, खाना तो पंडारा पार्क हो, बंगाली मार्केट हो, तो ज़्यादा मज़ा तो आता है। मौसम भी दिल्ली का, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे मौसम भी देखने को मिलते हैं, बॉम्बे का मॉनसून जो अभी आजकल हो रहा है, ब्यूटीफुल, बहुत तेज बारिश थी, हाँ हाँ, मुझे भाई मैं फोन करके चेक करी थी कि आज होगा ना, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, हम पूरा रेडी हो जाएं और फिर होना। मैंने एग्जैक्टली मॉर्निंग में इनको कॉल किया था, हो रहा है ना, मैं घर से निकलूंगी नहीं, हो रहा है ना, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्योंकि हम ये पहले एक दफा बारिश की वजह से पुश कर चुके हैं, हाँ, और वो भी मैंने ही कॉल किया था, बिकॉज मुझे लगता है कि काम की वजह, काम मेरे लिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट है, पर मुझे लगता है कि काम की वजह से किसी को सफर नहीं करना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट देन लाइफ। बिकॉज वेन आई गॉट अ कॉल कि श्वेता ने बोला है कि बारिश हो रही है, लेट्स नॉट डू इट, लेट्स बी सेफ एंड बी एट होम, एंड ब्ला, हाउ स्वीट, वेरी थॉटफुल। इनफैक्ट आज भी जब बारिश हो रही थी तो चीता, बिकॉज चीता प्लेज पडेल पैडल टेनिस, तो ही वेक्स अप एट 6 o'clock, सो ही कॉल मी अप एंड सर बहुत बारिश हो रही है, ऐसे नाइट जो भी बारिश हो, ऐसे मैं दूसरी बार तो नहीं कैंसिल कर सकती, सो इवन वाइल्ड गेटिंग रेडी हम लोग बाहर, मौसम बार बार सोफिया ना वो चेकिंग, लेको चलो थैंक गॉड नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही है, एंड फिर भी फ्रेंड्स वर सेंडिंग रील्स की डीएन नगर में इतनी पूरी नदियां हो चुका है, एंड आई वाज लाइक बोट लेकर जाएंगे, मैं फुल ऐसी भीगती भीगती आई थी डीएन नगर से, एक लड़की भीगी भागी सी आपकी, मैंने तो हमें स्टार्ट किया था पोएट्री से, मैं पोएट्री सुने बिना तो जाऊंगी रे पोएट्री पे, यू नो द थिंग इज दैट पोएट्री का मैं, आई हैव टू गेट इन टू दैट स्पेस वेयर इट, मतलब इट्स नॉट अ, इट्स नॉट अ बटन, ओके, तो वही मतलब अनदर थिंग फॉर लंच श्योरली। ऐसी कोई शायरी, वन ऑफ योर फेवरेट शायरीज, और जब मम्मी ये इंटरव्यू देखेंगे, अगर ये पार्ट मेक्स इट टू द एडिट, मम्मी कहेंगी बेटा एक जात तो कर लिया करो, इनफैक्ट माई मॉम ओनली सेंट मी अ वेरी नाइस वन, महादेवी वर्मा जी का, सो दैट वॉज लवली, इनफैक्ट आई वुड लाइक टू रिसाइट दैट, और इनफैक्ट इफ आई विल रिकॉर्ड अ वीडियो एंड आई विल सेंड इट फॉर यू, बिकॉज उन्होंने जो पोएट्री भेजी थी इट्स वेरी एप्ट फॉर गोलू एज वेल, लवली, दैट्स वेरी नाइस वन, नेक्स्ट टाइम, ये भी लंच पे, ये भी लंच पे, हमारी इतनी सारी चीजें अब लंच के लिए पेंडिंग हो गई है। Lastly, I want to know what's next for Shweta.
नेक्स्ट इज हॉलीडे विद चीता. वी आर गोइंग टू कबीनी. हमारे लिए छुट्टियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं बिकॉज आई थिंक छुट्टी किसी के लिए भी बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्विच ऑफ. इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी अवे फ्रॉम द क्लटर ऑफ ओपिनियन एंड इन्फॉर्मेशन ओवरलोड. क्योंकि हमें पता नहीं चलता लेकिन हम अपने आप को इतना ओवर एक्सटेंड कर लेते हैं, ओवर एग्जॉस्ट कर लेते हैं कि फिर वो हम लिटरली हमारा ब्रेन फ्राई हो जाता है. और जब वो ब्रेन फ्राई करके जब जलने लगता है ना तब हमें होता है कि ओ ओ ओ क्या हो गया. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दोज चेक्स. एंड सबके लिए अलग अलग चेक्स होंगे बट वो चेक्स होना बहुत ज़रूरी है. तो मेरे लिए जैसे रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब मैं पढ़ रही होती हूँ तो मैं दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट होकर वापस आ जाती हूँ. एंड आई एम ऑलवेज रीडिंग लाइक 2 to 3 बुक्स एट द सेम टाइम. एक फिक्शन होती है, एक कोई नॉन फिक्शनल होती है, एक माइट बी एक रूमी की किताब है. सो इट्स नाइस बिकॉज आई थिंक यू लर्न सो मच मोर. और किसी ने इतनी मेहनत की है किताबें लिखने की, रिसर्च करके हमारे पास लाने की, प्रिंट किया गया है उसे और है तो पढ़ के हम सीख लेंगे. सो छुट्टियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, म्यूज़िक एंड वर्कआउट. दीज आर फ्यू थिंग्स दैट आई एम ट्राइंग टू सेट अ रूटीन फॉर माई सेल्फ. स्पेशली अ रूटीन ऑफ, क्योंकि एज एन एक्टर हमारे दिन ना बहुत अलग होते हैं. यहाँ पे बैक टू बैक इंटरव्यूज हो सकते हैं, रिलीजेज हो सकते हैं, एंड देन बैक टू बैक यू आर डूइंग नथिंग एट ऑल. देर इज नथिंग दैट्स हैपनिंग वेर यू जस्ट फिगरिंग आउट कि लंच में भिंडी खानी है कि परवल. तो एक रूटीन बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपका गो टू बन जाता है. सो आई एम वर्किंग ऑन अ मॉर्निंग रूटीन वेयर देर इज अ मेडिटेशन, देर इज आई स्टार्ट माई डे विद वॉर्म वाटर विद सिनेमन एंड अदर मैजिकल थिंग्स. देन विम हॉफ करके एक ब्रीदिंग टेक्निक है विच आई डू. देन 10 minutes का मेडिटेशन. ये सारी कोशिशें हैं, स्ट्रेचिंग. ये आइडियल डे में मैं ये सब करती हूँ जो आज मैंने किया. मुझे वो सिचुएशनशिप, क्योंकि अभी मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि मेरा सिचुएशनशिप इज. एंड इफ देयर इज वन थिंग दैट आई कैन टेल पीपल, अगर आपको किसी चीज का डर है तो वो ना सोच के नहीं जाएगा. अगर आपको या तो कमिटमेंट से डर लगता है, इज माई अंडरस्टैंडिंग दैट विच इज वाई पीपल वॉन्ट टू बी इन अ सिचुएशनशिप. बट क्या हो जाएगा, whatever it is, whatever you decide to do, it's okay to walk away if it's not working for you. तो मुझे लगता है कि हमें किसी चीज़ से, obviously अलग अलग चीज़ों से डर लगता है, but जब हम वो डर को टेक ओवर करने देते हैं ना तो हमें कंज्यूम कर लेता है. तो वो अगर डर लग रहा है, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट दोज फीलिंग्स कि ओके आई एम स्केर्ड अबाउट दिस, आई एम वरीड अबाउट दिस, बट देन वॉट कैन यू डू टू डिटैंगल कि अब उससे हम कैसे कर सकते हैं. क्योंकि डर में ज़िंदगी नहीं काटनी चाहिए, ये एक ज़िंदगी है हमारे पास. तो आई थिंक ये अलग अलग चीज़ें हमें ट्राई करनी चाहिए, अलग अलग लोगों से मिलना चाहिए. एंड थिंग्स विल नॉट वर्क आउट एंड इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट. हम लोग मिस्टेक्स को, हम लोग फेलियर्स को उतना सेलिब्रेट नहीं करते हैं जितना करना चाहिए बिकॉज हमारी मेन लर्निंग तो वही होती है. एंड समटाइम्स यू हैव टू kiss a few frogs to find the real prince. Yeah. So maybe अगर आप उसमें वो commit ही नहीं करोगे तो फिर, और अगेन वो tags हटा दो, क्या फ़र्क पड़ता है कि situationship है, relationship है, दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है. How the person makes you feel, that is the most important thing. तो and all of us are enough. All of us, ऐसा कोई भी नहीं है जो enough नहीं होता है. We all are growing, we all are learning, and we are all trying to be better. तो ये तो सभी की journey है, तो आप अकेले नहीं हो इसमें. तो आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट एवनी लव इज़ अ ब्यूटिफुल फीलिंग एंड एवरीबडी शुड एक्सपीरियंस दैट. वेन यू हैव अ पार्टनर दैट यू कैन शेयर योर ड्रीम्स टू योर इमोशंस टू योर आइसक्रीम विद, इट्स अ गुड फीलिंग. एंड दैट पार्टनर डजेंट जस्ट हैव टू बी योर लवर, इट कुड बी योर बेस्ट फ्रेंड, इट कुड बी समबडी दैट यू आर वर्किंग विद, इट कुड बी समबडी हु यू शेयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट विद. तो वो दोस्ती को और रिलेशनशिप्स को टैग की जगह महसूस अगर हम ज़्यादा करें, सो देन आई थिंक इट विल बी अ विन विन फॉर एवरीबॉडी.
वही कि एक ही जिंदगी है, एक ही जिंदगी है यार, सब जो भी जिससे बात करनी है, जिससे जिससे घूमने जाना है, आइसक्रीम खानी, कर लो, क्या हो जाएगा, नहीं मजा आएगा, हाँ सेफ्टी कर लो, कर लो सेफ्टी बहुत जरूरी है. हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि आप अपने मतलब सारे गार्ड्स डाउन करके सब कुछ स्विच ऑफ करके चल दियो बॉय और गर्ल, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, बिकॉज लाइक आई सेड आई बिलीव इन एनर्जीज, सो बट ठीक है, अपने आप को डाउट करना कभी कभार, बट इतना मत डाउट करो कि फिर आप वो सेल्फ डाउट के दलदल से बाहर नहीं आ पा रहे हो. टॉकिंग अबाउट एनर्जीज, ऑफ कोर्स पॉजिटिव एनर्जी तो होती ही है, डू यू आल्सो फील देयर इज अ नेगेटिव एनर्जी? ऑफ कोर्स देयर आर नॉट गुड एनर्जीज, देयर आर वेरी गुड एनर्जीज, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कोर को, आपकी जो एनर्जी है, आप उसको संभाल के रखो, जिससे कि जो कि इट्स easier said than done. Even I am trying to practice this. कि मैं जो एनर्जी किसी और की हो या फिर वो सोशल मीडिया में कोई न्यूज पढ़ के हो, कि मैं उस इमोशन में इतना नहीं बह जाऊं कि मैं खुद ही लाइक आई एम नॉट एबल टू ग्रैस्प और फिगर आउट वेयर आई एम, वॉट टू डू, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नजर आती है ना, तो सोल्यूशन देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो बहुत जरूरी है कि ओके प्रॉब्लम क्या है, आप अपने इमोशंस को साइड पे रख के आप प्रैक्टिकली और लॉजिकली सोचो इसका मैं क्या कर सकती हूँ. अगर हमें सोल्यूशन हमें ढूंढना है ना, तभी सोल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज सोल्यूशन डांस करके खुद सामने से नहीं आएगा. वो एफर्ट हमें करना है, बट आई प्रॉमिस यू अगर हम सोल्यूशन को ढूंढने जाएं, सोल्यूशन 110% मिलेगा ही मिलेगा. पर डोंट डाउट द यूनिवर्स, डोंट चैलेंज द यूनिवर्स कि अगर ये है तो मुझे ऐसा आंसर मिल जाएगा. नहीं, आप अपना करो और जो आना है आपके पास वो आ जाएगा. आई बिलीव इन दैट. Even I do. जो आना होगा वो आ जाएगा. हाँ, और जो नहीं आ रहा है फॉर अ रीजन नहीं आ रहा है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो होता है भले के लिए होता है, पर जो होता है एक वजह से होता है. एंड उस आप उस रिएक्ट ना करके हाउ यू रिस्पॉन्ड टू अ ह्यूमन और अ सिचुएशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और हर चीज का एक वक्त होता है, हर चीज का एक वक्त होता है. तो वही आज का अभी का विन, व्हाट्स इंपॉर्टेंट नाउ, अगर हम उस पर फेस करें, उस पर फोकस करें और उस चीज को फेस करें, तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली आज नहीं तो कल वो बैठ ही जाएंगे अपने उसमें. लवली. लास्टली, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर श्वेता? व्हाट्स नेक्स्ट इज अ ट्रिप with Chita and कल मलजन आए, हम लोग एक कोई क्लासिक फिल्म देखने वाले हैं. हम घर पे लंच कर रहे हैं, उसके बाद हमारा मिर्ज़ापुर गैंग सेलिब्रेट करने जा रहा है, और सैटरडे को वापस मिर्ज़ापुर गैंग सेलिब्रेट करने जा रहा है, और संडे को हम लोग प्ले के लिए जा रहे हैं. ये है इस वीकेंड का प्लान. एंड उसके बाद अदरवाइज देर इज ये काली काली आँखें का डबिंग भी है इन फैक्ट, which I'm very excited for, and fixing a routine for myself, because I want to enjoy this one life and I want to make the most of it. So I'm trying to be make discipline my friend, क्योंकि चीता का तो best friend है discipline. तो अब मैं try करूँ कि मेरा भी best friend अगर बन जाए तो फिर तो I'll be unstoppable. Hi. What's next for me? I am waiting for the lunch with her. Yes. Yes, absolutely. And we'll get a secret guest, a surprise guest. Surprise guest. Guess who? Guess who? But thank you so much. It was a lovely conversation. Can we end it with kya mast hai life? Of course. Chalo. Kya 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 mast mast hai, kya mast life, kya mast life, sometimes steady, sometimes me. Cut.